नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखें कुलदीप गुप्ता की। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा शहर में लगातार चोरी हो रही बाइक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश पर दो व्यक्तियों को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया। पूछताछ पर चोरों ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र सहित शिवपुरी के अन्य थाना क्षेत्रों से वो मोटरसाइकिल चोरी करके अपने घरों में छिपा देते हैं और मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स को बेच देते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए की 41 मोटरसाइकिल और कुछ मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी बरामद किए। ये कोतवाली थाना प्रभारी उसकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, जिसमें की 41 मोटरसाइकिल जो चोरी के मोटरसाइकिल विभिन्न थानों में थे, उन्हें एक दो बदमाश को पकड़ के उनसे जब्त किया गया है। जो सिनवा थाने के रहने वाले थे बदमाश, वहां पे इनसे जब्त किया गया है। और इनसे ये कि अच्छी ये खबर मिली, ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स उसको काट के अलग अलग पार्ट्स को बेचते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा दतिया में 16 दिसंबर से भ्रमण करेगी। इसके लिए 3 रथ दतिया आ चुके हैं, जिसमें सीसीटीवी और ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है। हर एक रथ का एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। कलेक्टर संदीप माकिन ने इस बारे में बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में दतिया की क्या स्थिति है, लोगों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है, उनके जीवन में इन योजनाओं से कितना परिवर्तन आया है, इसकी समीक्षा की जाएगी। और हर ग्राम पंचायत में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने आवेदन भी कर्मचारियों के सामने पेश कर सकेंगे। जिन योजनाओं को लेकर सरकार संवेदनशील है और उनसे लाभान्वित लोगों की स्थिति जानने के लिए प्रयासरत है, उनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना के अलावा बैंक से संबंधित 4 योजनाएं भी शामिल हैं। नैनो फर्टिलाइजर, उन्नत कृषि योजना आदि का मौके पर क्रियान्वयन कैसे हुआ, लोगों के जीवन में इससे क्या परिवर्तन आया है, इसके अलावा इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्या किया जा रहा है और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। ये रथ दतिया में 26 जनवरी तक भ्रमण करेगा। हमें रहेगा एक दिन में 2 पंचायत, एक रथ की सुबह 10 से 1 और फिर दोपहर 2 से 5। सर कितने दिन चलेगी यात्रा? ये 26 जनवरी तक चलेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं, हम इसमें लिखा पढ़ी भी करेंगे कि थोड़े दिन और भी हमें मिल जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के पोहरी नगर परिषद में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नगर परिषद का घेराव कर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि नगर परिषद प्रबंधन के द्वारा सफाई, सड़क निर्माण, पानी की सप्लाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। महीनों से स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि करीब 21 दिन के बाद नगर परिषद के सीएमओ सौरभ गौड़ नगर परिषद में पहुंचे। जैसे ही इसकी सूचना कस्बे में फैली, इसके बाद अलग अलग वार्डों के लोगों ने इकट्ठा होकर नगर परिषद में हंगामा किया। कस्बे में साफ सफाई की व्यवस्था, सड़क निर्माण और पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। इसकी शिकायतें नगर परिषद में कई बार दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। 3 महीने से लोगों के घर पर पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। पिछले 3 महीने से क्षेत्र के रहवासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इसके बावजूद नगर परिषद के द्वारा पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया है। वहीं जब नगर परिषद से हैंडपंप सुधारने की बात कही जाती है तो उनके द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है। नगर परिषद के सीएमओ द्वारा 7 दिन के अंदर हालत में सुधार ना होने पर उग्र आंदोलन का चक्का जाम किया जाए। कोई रट्टा नहीं है भाई जान, ना पानी की समस्या, सब कोई ना बोल लगा, ना कछु लगा, ना नला रहे, ना दस दिन से परेशान है, ना साफ सफाई हो रही है, ना साफ सफाई है, ना कुछ भी नहीं है, कोई सुनता नहीं है हमारी। तो सीएमओ साहब से अभी बात की, क्या कही थी उन्होंने? आप सुन लेते हैं और चले जाते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। ये नगर परिषद का घेराव इसलिए किया गया कि यहाँ 1.5 साल से जो अव्यवस्थाएं चल रही थी, जो फर्जी बिल पास कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, इनने आज तक किसी भी वार्ड में कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है, ना किसी वार्ड में सीसी डाली है, ना नल जल योजना है इनके पास, ना सफाई कार्य है, कुछ नहीं है इनके पास। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। मध्य प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। यहां उन्होंने पंडित रमन त्रिवेदी, दिलीप गुरु, अर्पित पुजारी और अन्य पुजारियों के आचार्यत्व में बाबा महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र से जल अभिषेक किया। गर्भगृह में हुई इस पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। वो लगातार ओम नमः शिवाय और अन्य मंत्रों का जाप कर रहे थे। जलाभिषेक से शुरू हुए बाबा महाकाल के पूजन के दौरान उन्हें दूध और पंचामृत अर्पित किया गया, जिसके बाद उन्हें पूजन सामग्री भी अर्पित की गई। दर्शन के बाद यादव ने कहा कि शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। मैं यहाँ से विधायक भी हूँ, स्वाभाविक सी बात है कि हम सबकी इच्छा रहती है कि जब हमें किसी भी नए काम का दायित्व मिलता है तो बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं
मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए प्रवीण तिवारी की। बरही वन परिक्षेत्र में इन दिनों बाघ और तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। मवेशी चरा रहे युवक पर बाघ ने जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। युवक का नाम रजनीश यादव है, जिस पर बाघ ने मवेशी चराने के दौरान हमला किया था। इस घटना के अलावा 12 दिसंबर की रात को बरही क्षेत्र के ही बगैहा सिद्ध महाराज के पास भी युवक पर एक तेंदुए ने हमला किया था। बाघ और तेंदुआ का आतंक बढ़ गया है, आए दिन लोगों पर हमले हो रहे हैं। क्या घटना? शेर काट रहे हैं। किसको? बच्चा। कब की बात है? कितने बजे की बात है? 10 बजे। क्या क्या कर रहा था आपका बच्चा? जंगल कराओ भैंस चरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में नजर आए मोहन यादव। पहले ही दिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को किया बैन। इसके अलावा खुले में मांस बेचने पर भी बैन लगाने के दिए निर्देश। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे बाबा महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचे। पूजा अर्चना करने के बाद अखाड़ा पहुंचे। अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने महाकालेश्वर मंदिर का ध्वज और चांदी का शिवलिंग भेंट किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने 145 तीर्थ के जल से भगवान महाकालेश्वर का जल अभिषेक भी किया। इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। 2-3-4 बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए, उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं। अगली खबर देखिए भुवन लाल सिंह की। बीते कुछ समय से कोयलांचल क्षेत्र में रेत का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है, जिसके मद्देनजर भाजपा नेत्री ज्योति डेहरिया और उनके सहयोगी द्वारा एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट को शिकायत कर अवैध परिवहन और इस कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग रखी गई थी। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद एसडीओपी पुलिस और उनकी टीम ने शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर को अवैध रेत का परिवहन करने के दौरान पकड़ा। ट्रैक्टर मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि शिवपुरी के अंतर्गत अवैध कारोबारों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं स्थानीय पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को उच्च अधिकारियों तक शिकायत के लिए पहुंचना पड़ रहा है। यस सर, ये थाना शिवपुरी अंतर्गत अवैध रेत खनन परिवहन की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जो है पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच कर एक ट्रैक्टर और उसमें अवैध रेत को रेलवारा और शिवपुरी के बीच में जब्त किया है। इसमें ITC विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है। अगली खबर देखें जमील चौहान की। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने अवैध हथियारों के सप्लायरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने राजस्थान से बुरहानपुर के खंगनार थाना क्षेत्र से अवैध हथियार खरीद रहे उन्हें ऊंची कीमत पर राजस्थान में बेचने वाले 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7 अवैध पिस्टल सहित 10 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों बदमाश राजस्थान के पुराने हिस्ट्री शीटर भी रह चुके हैं। इनके साथ ही इनकी मदद करने वाले दलाल और हथियार बनाने वाले सिख लीडर को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। हालांकि उनकी तलाश अभी जारी है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का रिमांड पर लेकर उनसे आगे की पूछताछ कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बाली के बल को मुखबिर से सूचना मिलने पर
दो अपराधी देर राम और लक्ष्मण सिंह जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और इनसे पूछताछ की है। ये आरोपी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और बुरहानपुर के श्रीधर नाम के व्यक्ति के माध्यम से रणवीर टिकलीकर से ये पिस्टल लेकर के राजस्थान में जा रहे थे। ये यहाँ पे खरीद करके राजस्थान में बेचने का काम करना बताते थे। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। विजय सहगल नाम के व्यक्ति के खाली मकान का ताला तोड़कर बदमाश नकदी सहित लाखों के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। चोरी की इस वारदात से पुलिस ने पर्दा उठाते हुए चोरी की घटना में शामिल खाचरोद के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सोने चांदी के जेवरात सहित लगभग 6 लाख बरामद किए हैं। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने चोरी का सामान कब्रिस्तान में जमीन के अंदर दबा कर रखा था और बाकी के बचे हुए सामान को कुएं में फेंक दिया था। 40 फीट कुएं के पानी को निकालकर पुलिस ने 6,49,700 का माल बरामद किया है। अच्छे संगठित गैंग का जो पर्दाफाश किया है, इस गैंग के ऑपरेशनल जो सदस्य थे सब लोग खाचरोद के थे। 4 लोगों का गैंग था जो माल खरीद कर एक व्यक्ति को बेचते हैं और तत्काल चोरी करने के बाद ये अपना माल जो डिस्पोजल करने के लिए एक बावड़ी में उन्होंने कुछ सोना फेंका है, कब्रिस्तान में कुछ माल गाड़कर छुपाया है और उसके बाद भोपाल इज्तिमा में और उदयपुर अपने अपने पुराने ठिकानों पर रवाना हुए थे। तो टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और इनपुट निकालकर लोकल की मुखबिरी से पता करके लोकल के कैमरे खंगाल कर पूरा इनका रूट ट्रैक किया और उदयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा भोपाल इज्तिमा से लिया, बाकी 2 लोग यहीं मिल गए थे उनको। और पूरा माल लगातार अच्छे लंबे इंट्रोगेशन के बाद 90% माल हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 7.5 लाख की चोरी में 6.5 लाख हम लोग रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से बावड़ी में से लगातार 12-14 घंटे मोटर चलने के बाद खाली करवाया गया और वहां से गोल्ड निकाला गया है और कब्रिस्तान से खुदाई करके गोल्ड निकाला गया है। इनके सभी के आपराधिक रिकॉर्ड 4-4, 5-5 इनके आपराधिक रिकॉर्ड खाचरोद थाने पे है। अभी चूंकि हम लोग प्राइमरी स्टेज में है, इनका PR लेने के बाद इनका और भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, तो आसपास के जिलों से या थानों से और भी हम रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, तो जैसा इसमें और भी अगर कुछ पाया जाएगा तो और भी हम आगे खुलासे करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व CM दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, रामनिवास रावत, राजेंद्र सिंह, उमंग सिंगा, जयवर्धन सिंह भी पहुंचे। छिंदवाड़ा में होने के कारण कमलनाथ नहीं होंगे बैठक में शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहले फैसले जिसमें लाउड स्पीकर पर बैन और खुले में मांस बिक्री प्रतिबंध की बात कही गई है। पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंगा ने कहा कि ये उनका फैसला नहीं है, ये RSS का फैसला है। सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया, विश्वास जताया हाईकमान के लिए और हाईकमान विधायक दल का नेता चुना, किसी के नाम पे चर्चा नहीं गई, सब समिति से एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया गया। राय ली जा रही है, राय के बाद हाईकमान के ऊपर छोड़ा जाएगा, सारी राय बता दी जाएगी, जो हाईकमान निर्णय लेगा उसको सम्मान लेंगे। लेकर चर्चा हुई है कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती जा सकती हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं साथ में। और एक जो निर्णय लिया गया है, सभी विधायकों का ये मन था कि एक सूत्र बनाकर जो भी हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ हम ताकत से खड़े हैं, ताकि जो हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ में हम खड़े भी हैं और उसके नेतृत्व में काम करने के लिए भी पूरी ताकत से तैयार हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सवाल नहीं है कि कौन बनेगा, सवाल यह है कि हम कितने दमदारी से एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकते हैं। और जनता ने जो चुनकर हम विधायकों को भेजा है और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है, तो हम लोग पूरी दमदारी से एकजुट होकर विधानसभा में आवाज भी उठाएंगे। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के जिला अस्पताल से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां बीती रात कटमई तिराहे पर 2 बाइक सवार के एक ट्रक से टक्कर हो गई। सभी घायलों को शिवपुरी के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एक घायल का परिजन न होने के चलते अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पलंग और कंबल न मिलने से घायल जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। सूचना के बाद घायल के परिजन अस्पताल पहुंचे, तब युवक का उपचार शुरू किया गया, जिसके बाद घायलों को शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं जिला अस्पताल के CMHO डॉक्टर पवन जैन ने मामले को संज्ञान में लेकर जिम्मेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है। उनकी ससुराल है ना, घूमने के लिए गए। अच्छा, इससे पहले जब आप आए थे जो मरीज कहाँ था? जमीन पे? जमीन पे। कितनी देर से? जब से आए तो अभी अकाल तो कितनी देर से डरा होगा? निश्चित रूप से यह दुखद है और मैं इसमें जांच करूंगा।
आपके द्वारा जो ये संज्ञान में लाया गया है, इतना सर्दी का मौसम है, खासकर पे सभी मरीजों को वहाँ पे समुचित ठंड से बचाव के लिए कंबल वगैरह उपलब्ध होना चाहिए, तो मैं भी इसमें भ्रमण करके और वहाँ की व्यवस्थाएं को जायजा लूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।